बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। डियर व्यूअर्स, अक्सर बच्चों की अहम परेशानी और टेंशन जरे गौर फरमा लें। कुछ बच्चों की टेंशन होती है, कन्फ्यूज़न होती है कि सबक को याद कैसे किया जाए, क्योंकि उनका हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है और वो याद किया हुआ सबक दोबारा भूल जाते हैं, या फिर एग्जामिनेशन हाल में पहुंचने तक उनको याद किया सबक भूल जाता है। तो डियर व्यूअर्स, अगर वो बच्चे चाहते हैं कि उनका हाफ़ज़ा भी मजबूत हो और अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो सकें, अपने मकसद तक पहुंचने में कामयाब हो सकें, तो चलें फिर मैं आपसे एक बात शेयर करने जा रहा हूँ। आप जिन्हें गौर फरमा लें, इंशाल्लाह आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित होगी और आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आपने नमाज की पाबंदी करनी है, क्योंकि कबूलियत अमल नमाज से है और हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक भी नमाज है। लिहाजा अगर आप नमाज को छोड़ेंगे तो ये सोच लें कि आपने क्या किया। तो अमल आपने ये करना है, 16वें पारे की सूरह त्वहा की आयत 114 में रब्बे ज़िदनी इल्मा, आपने ये आयत 70 मरतबा रोज़ाना इशा की नमाज के बाद बवुज़ू होकर आपने पढ़कर सो जाना है, और इसके अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और आप मुझे दुआएं देंगे। जी इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।